मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है बड़ों को नमस्कार छोटों को प्यार आशीर्वाद और बराबर वालों का इसी कहीं बिजनेस करना सबको आता है थोड़ा दिमाग चाहिए जिसको कम है यहाँ ज्वाइन लिखे जो खत तुझे अरे पूरा लिखने दो दो लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए पापा ने रात में सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए धोनी जैसे बाल गजनी हो जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकला वहां बड़ा बड़ा लिखा है दिल्ली नगर निगम आपका स्वागत करता है स्वागत के मैं वहीं रुक गया मैंने कहा लिखा है तो कोई करेगा एक घंटे खड़ा रहा फिर एक टैक्सी वाले ने बताया बाबू जी आप जाओ जी तो ऐसे ही लिखा रहता है कोई करता नहीं है तो जो चीज होती नहीं है लिखते क्यों लखनऊ लखनऊ में लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर एक पे चार भाग में आप देखिएगा मान लीजिए कृपया बाएं हाथ से चलें किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से <laughs> मैंने फिर भी ट्राई किया मैंने कोहनी छिल गई किसी घर गए हम खाने पे उन्होंने बुलाया था किसी घर गए वहाँ उनके घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे हमने वेरी गुड अच्छा मैसेज बच्चे दो ही अच्छे घर के अंदर गए देखा छह बच्चे खेलने आंगन में भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे नहीं 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 बच्चे दो ही अच्छे हैं चार बदमाश अरे <laughs> एक मैंने वहां भिखारी को देखा जामा मस्जिद के बाद क्या तेरे पाप दे दे हक मौला दे बाबा ने तुझसे मांगा है यार तक दे 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 हमने दे रहे डरा क्यों रहे हो दे, दे हमने कहा हाँ हाँ ये लो ये लो दस रुपए दिया <laughs> बाबा खुश हुआ अब मांग क्या मांगता है मांग ले मैं बोला मेरे पैसे वापस दे <laughs> अपने देश में जब टेलीविजन आया जब चैनल आया अपने देश में तो सबसे पहला चैनल था दूरदर्शन एकदम गरीब उसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया जब खोलो एक ही प्रोग्राम आता था आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं, इसके उपाय बताएंगे अब जिनकी खेती नहीं है वो भी कहते थे अच्छा बताओ <laughs> क्योंकि दूसरा है चैनल है नहीं अच्छा आज तो कलाकारों के बारे में कैमरे के पीछे क्या होता है आप सबको पता है पहले लोगों को इतना पता नहीं था रात को बारह बज, बजे रात को ग्यारह बजे दूरदर्शन का एंकर आके शो को समाप्त करता था तो लो वो जो बोलता था लोग उसको फॉलो करते थे लोगों को लगता था ये सच बोल रहा है ये सच हो रहा है इस समय रात के ग्यारह बजे हैं आज की पहली और अंतिम सभा समाप्त होती है अब हमें आज्ञा दीजिए अच्छे अच्छे लोग रजाई से निकल निकल के आज्ञा देते थे मेरे दादाजी खुद रजाई से निकल के ठंड में जाओ बेटा आराम करो जाओ जाओ आराम करो कलाओ नहा के जाओ उनको मालूम ही नहीं ये रात को जो रिकॉर्डिंग लगाई गई है इसको उसने दोपहर में ही रिकॉर्ड कर दिया है और इस समय वो किसी शादी में है उसके बाद चैनल्स एक चैनल काफी था चैनल्स की बाढ़ आ गई ए टीवी बी टीवी जी टीवी छी टीवी थू टीवी ले टीवी दे टीवी उठा टीवी लिटा टीवी केबल टेबल डिश छतरी इंसान बारिश में भीग रहा छतरी नहीं बिल्डिंग के ऊपर छतरी लगी है वो भी उल्टी बीच में रखी बाल्टी प्रोग्राम इत, इतना सा विज्ञापन इतने निर्मा मेरी माँ, तेरी माँ। पता नहीं चल रहा था साबुन बेचना की गाली दे रहे। अच्छा इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है बताइए जिसका दम घुट रहा है वो है रिमोट इतनी नन्ही से जान उसके ऊपर डेढ़ हजार चैनल लाद दिए रिमोट गरम हो जाता है आप अपने ऑफिस से कहीं से दुकान से शॉप से जब घर आते हैं तो देखिए जल्दी रिमोट आपको मिलता नहीं है आप नोट करना जल्दी नहीं मिलेगा उस सोफे वोफे के गैप के बीच में छुपा रहेगा आपको देख के बोलता आ गया कमी ना अब मुझे अपने हाथ में लेगा मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा किसी को रिमोट से सिंपैथी नहीं है पूरे बदन में खेलेंगे पहले उसको भी दर्द होता होगा प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ओ आज मौसम बड़ा गोरी है कलाइया की तुझे हरी हरी चूड़ियाँ तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल रुत है मिलन की साथी मेरे आ लगावे लुत्तुल हिले आरा डिस्टिक जिला टॉप ला बहुत खुश ड्राइव के शिखर धवन ने इंडिया इस वे गुड पोजिशन कोहली बहुत खुलकर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए <laughs> अरफत नवशरीफ ला भारत ला उलला अरफता अलकायदा बेकायदा बेकायदा अलकायदा बेकायदा बेकायदा अ

जो हंसे उसका घर बसे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे अरे प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो प्यार करना है तो निर्मा पाउडर वाली से करो क्योंकि क्यों क्यों कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो एक बंदा सुबह सो के उठा तो सामने यमराज तो पहले तो उसको बिलीव नहीं हुआ कौन है भाई नौटंकी कर रहा है ये सब ड्रेस पहन के कौन आ गया भैया <laughs> मैं यमराज हूँ यमराज <laughs> हंसे बगैर भी बात हो सकती है मेरे <laughs> <laughs> पास उन लोगों की लिस्ट है जिनका टाइम पूरा हो गया है मैं तुझे लेने आया हूँ लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम है मरने के लिए तैयार हो जा अच्छा अच्छा अगर सही बात है पता नहीं भाई लेकिन ये एक, एक, एक मोहलत दे दो देखो आप तो एक तो अतिथि हो मेरे घर आए हो तो अतिथि हो आप और मेरी क्या सुबह सुबह आँख खुलती है चाय से फर्स्ट क्लास दो ग्रीन टी बनाता हूँ एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए इतनी मोहलत दे दो इतनी मोहलत दे दो गया दो ग्रीन टी बनाया और यमराज वाले ग्रीन टी में डाल दिया बेहोशी की दवा उनको पेश किया यमराज बेहोश यमराज बेहोश फौरन इसने उसकी जेब में हाथ डाला लिस्ट निकाला जिसमें मरने वालों की लिस्ट थी इसका नाम सबसे ऊपर था सबसे ऊपर से काट के सबसे नीचे कर दिया सबसे नीचे कर दिया यमराज को होश आया <laughs> चल अब मरने के लिए तैयार हो जा लेकिन एक बात से हम तेरे से खुश हुए एक बात से खुश हुए मैं तेरी जान लेने आया हूँ फिर भी तूने मुझे चाय ऑफर किया है मैं तुझे एक सुविधा देता हूं आज लिस्ट में ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा डॉक्टर <laughs> विवेक बिंद्रा साहब उनके लिए भी मैं ख़ुद ताली बजाना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया अपने इस कंट्री में लोगों को मोटिवेट करते हैं बिजनेस के लिए गाइड करते हैं बहुत बड़ी बात है 24 घंटे में से मैं समझता हूँ वो करीब 18 घंटे काम करते हैं और मजाक करना बड़ा आसान है लेकिन इस तरह से मुकाम बनाना लोगों के से तालियाँ लेना उनके लिए कैरियर बनाना वो बड़ी बात है थैंक यू बड़ा बिजनेस थैंक यू डॉक्टर विवेक राजू सर के लिए एक ओवेशन हो जाए